friend. Good morning. Let's see who are. तो हम बुला रहे हैं मैगी. टमाटर खराब हो गया हमारा. नहीं खराब नहीं खराब हो हम हैं किचन में और बना रहे हैं मैगी, क्योंकि बहुत दिन से बनी नहीं थी और आज है संडे, तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए. इसीलिए हम मतलब मैं मैगी बना रही थी, क्योंकि बाकी दिन तो सुबह सुबह बस खाना ही बन जाता है, चले जाते हैं खा पी कर ऑफिस. नाश्ता तो ये करते नहीं है, मैं भी नहीं करती हूँ, मुझे भी फुल खाना चाहिए सुबह सुबह. तो हम सुबह खाना ही बना लेते हैं और फिर संडे को ही बनता है, या फिर कोई बीच में भी छुट्टी होती है तो तब बन जाता है, पर होता कुछ नहीं. छुट्टी में भी सारी छुट्टी की देर लग जाती है, क्योंकि नाश्ता ही हमारा 12 बजे होता है छुट्टी में, फिर खाना होता है 4 बजे. ऐसे ही ख़राब हो जाता है पूरा संडे. और अभी फ़िलहाल मैंने इंस्टा पे भी इसी से वो कर दिया है, इसी आईडी से अकाउंट बनाया है. प्लीज़ उसे भी जाइए और फॉलो कीजिए. देखो ये बनने हैं हमारे चावल और पतिदेव हमारे रहे हैं नहा. ये हमारी सब्जी है, वो भी आलू. ये हमारा मट्ठा है थोड़ा सा, और हमारे पतिदेव नहा रहे हैं. अभी टाइम देखो कितने बजे नहा रहे हैं, 1:30 बजे नहा रहे हैं. 1:30 बजे कोई कहने वाला है, कोई कुछ नहीं कहने वाला. और अभी बाजार बाजार भी जाने की तैयारी थी मेरे. बाल निकलते हैं मेरे, कितने बाल निकलते हैं मेरे, नहीं लग रहा है. एक दिन बर्तन वाले के सारे बर्तन मैं अपने बालों से ले दूंगी, ऐसा फील होता है मुझे. देखो मैंने कट्टे किए हुए हैं. मौसम भी आज तो बहुत ठंडा है. 3 बजने वाले 3 धूप तो आज आई ना. कपड़े अंदर डाल दूं तो नहीं डाल दूंगी, ये कोई पता ना. बारिश का मौसम हो रहा, बादल हो रहे बहुत तेज वाले, कोई पता ना कितनी देर में बरसन लगे. कपड़े उतारने हम पर हमें जाना है, अभी हम किसी काम से जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट काम. मेरे बाल सारे सफ़ेद हो रहे हैं, पता धूप निकलती है तो मैं नहीं जा पाती. सोचती रहती हूँ
पर लगा ही नहीं पाती, क्या करूं। अपने सोच ही लगाने की, एक दो दिन में लगाऊं मतलब, थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तो। तब यहाँ जो मैं वीडियो बना रही थी ना, वो मैं रास्ते की नहीं बना रही थी, मैं जो बना रही थी वो पेड़ों की बना रही थी, क्योंकि जैसे पेड़ों में फल लटके हुए दिखाई देते हैं ना, तो वैसे ही देखो आप, यहाँ ना पेड़ों में फल की जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब पतंगे ऐसे लटक रही हैं पेड़ों में जैसे फल लटकते हैं। एक एक पेड़ में फल की बराबर पतंग लटक रही है देखो, और चारों तरफ धाग मांझा ही मांझा इतना परेशान कर रहा था रास्ते में, चलते हुए भी आ जा रहा था हमारे आगे। गटवाड़ा पुल, और ये देखो हरिद्वार का व्यू है ये। और हम आए थे यहाँ बेड लेने के लिए, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं हमारे पास यहाँ है नहीं, एक है पर एक में और लोग आ जाते हैं तो काम नहीं चलता है ना, तो हम सोचे थे एक और ले लें। तो हम यहाँ देखने आए थे, हमें यहाँ पसंद आया था एक, पर बारिश की वजह से हम ला नहीं पाए। अब देखो कब रुकेगी, कब आएगा पता नहीं, क्योंकि बारिश तो कंटिन्यू है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज संडे की वीडियो है, मंडे में एडिटिंग कर रही हूँ, तब भी बारिश कंटिन्यू है, पूरी रात पड़ी है और अभी भी है बराबर। अब यहाँ पे वहाँ से आते आते हम रास्ते में रुके बारिश में, बारिश पड़ी रही थी कुछ तेज, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो जो गाड़ी खड़ी है दोनों उनका, वो आगे से टूट गई। फिर हमने खाया है यहाँ पे डोसा, खाया तो नहीं क्योंकि बारिश के वजह से हम पैक करा के ले आए घर, बारिश बहुत पड़ी थी। और प्लीज़ यार हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस करना। आ गए हम बाजार बाजार से, पीछे रे थक और गए, कुछ लिया हुआ तो गया ना कुछ भी, तो खा के घर को आ गए। लौट के बुद्धू कोई कोई और बाकी बन रहा है मुँह में सूख दो, आटा करा है रोटी के लिए अभी, बाद में खाएंगे थोड़ी भाई, खाते हैं थोड़ी सी अभी लगी। तो बारिश रुक गई है शायद, बारिश में रास्ते में ही पड़ गई, हम भीग गए नहीं, यहाँ पड़ी पड़ गई। हम चल थोड़ा देर, कितने बजे है ना, 7:30, तो खान भूख नहीं है, थोड़ा लेट खाएंगे बैठ जाते हैं, तो खाना वाना खा के हो गए फिर मेरे काम बहुत हो गया। करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि ठंडा है मौसम बहुत, बारिश बारिश का। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और इसी के साथ बाय, जय हिंद जय भारत।